तब बच रहा हूँ कंट्रोवर्सी से। जितने नमी का इंगोल था वो उसके सामने आज नहीं लाए। अच्छा नो नो दुआ सलाम हारा भाई शायद जी 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 शायद आजा 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 बाबा पहले तो इस एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे, ये कॉन्सेप्ट कैसे तैयार हुआ और ये एल्बम के लिए आप कैसे एग्री हुए? शॉर्ट एंड स्वीट। ये आपका सर एल्बम, मुझे मेरा एक फैन है और डायरेक्टर है, अल्लाह ऐसे फ़ैन सबको दे, और वो मेरा फ़ैन नहीं मेरा भाई बन चुका है, वो मेरे सारे फ़ैन मेरे भाई है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ जितना प्यार वो मुझे करते। वो गाना लेके मुझे 2 महीने से ढूंढ रहा था, लेकिन क्या होता है कि जब आसपास के लोग पहुँचने नहीं देते, उसको पहुँचने नहीं दे रहे थे, और सडनली उसकी किस्मत अच्छी थी, मैं बाहर खड़ा था, वो बाहर दिख गया मेरे को और वो किसी के साथ आ गया, और मैंने गाना सुना, मुझे पसंद आ गया, मैंने ओके कर दिया, मैंने करेंगे गाना। लैंग्वेज गुजराती है एक्चुअली सर, हमारे प्रधानमंत्री भी गुजराती हैं। सो यू बिलोंग फ्रॉम गुजरात साइड आल्सो? या सो द कनेक्शन आल्सो लाइक व्हाट मेड यू इमीडिएटली? मैं पाकिस्तानी नहीं हूं सर, मैं गुजरात का हूं। मैं गुजरात से हूं, अहमदाबाद से, और वलसाड़ में हमने शूट किया, धर्मपुर में एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। गुजरात बहुत खूबसूरत है यार, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सारा पैसा वहीं है सर। और एल्बम के बारे में कुछ जानना चाहिए, किस तरह का सॉन्ग है? इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, और एक लड़का है जो एक लड़की को इमेजिन करता है और वो लड़की सच में उसके सामने आ जाती है, वो स्टोरी है, और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, और बहुत दिल से हमने खर्चा करके पैसा करके गाना बनाया। एल्बम का किस तरह का दौर देखते हो? डेफिनेटली सोशल प्लेटफॉर्म अभी क्या, डिजिटल बहुत बड़ा हो गया सर, तो एल्बम का एक दौर आ गया वापस, पहले चला गया था बीच में अभी, लेकिन अब डिजिटल मीडिया फ्यूचर हो गया है, तो एल्बम का भी ज़माना वापस आ गया, इसलिए मैंने अभी 8-10 एल्बम किया हूँ, एक एक करके आ रहे सर, ये पहला है, अभी दूसरा है, फिर तीसरा है, और एक वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ मैं, उसमें सृष्टि भी है हमारे साथ, तो वो बेस्ड ऑन ड्रग्स MD, तो मेरे चैनल पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप लोग इतना प्यार करते हो। सर रीमिक्स में क्या होता है, रीमिक्स ओरिजिनल गाना बनाओ, रीमिक्स पे वो वीडियो डाल के रिलीज कर दो, ये आइडिया दे रहा हूँ, मेरा आइडिया लेना नहीं सालो चोर लोग। पर ओरिजिनल गाना बनाओगे तो राइट्स तुम्हारे हो जाएंगे, रीमिक्स में क्या, पैसा भी उनको जा रहा है, सब कुछ उनको जा रहा है, मतलब इतने हजारों करोड़ है उनके पास, खाने को नहीं है फिर भी इतना वो कर रहे हो लोग, तो मैंने ओरिजिनल गाना बनाया, ओरिजिनल अभी दूसरा भी आपको बुलाऊंगा, बहुत बेहतरीन गाना है, फिर एक अभी माँ पे एक गाना हमने रिकॉर्ड किया है। क्या होता है कि म्यूज़िक वीडियो से आप एक पूरी फिल्म की स्टोरी बोल सकते हो, और आजकल मोबाइल पे पूरी दुनिया सब कुछ देख रही है सर, आप वो 3 मिनट का गाना भेजो, आदमी इमोशनल होना चाहिए या खुश होना चाहिए या उसे कुछ सीखना चाहिए, तो इस गाने में आदमी को मज़ा आएगा कि यार काश मैं भी बाइक ले गया, जितने बाइकर होते गया, मेरे को भी एक ऐसी खूबसूरत लड़की दिखे और वो मेरे सामने आ जाए, मुझे मिल भी जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने ऐसा फील करवाया लोगों को। आपकी प्रोडक्शन काफ़ी अभी बहुत एक्टिव होकर बहुत काम हो रहा है, फिल्मों के बारे में या आपने डायरेक्शन या कुछ प्लान है आपके? सर अभी क्या है कि डिजिटल ने मुझे बचा लिया, अब मैं थोड़ा सा, आप भी जानते हो सर, साउथ में काम करने के बाद यहाँ पे आया मैं, तो मैंने टीवी भी बंद कर दिया, तो टीवी वाले थोड़े से, उनको ऐसा लग रहा मैं अमिताभ बच्चन बन गया हूँ, तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते लोग, लेकिन ऐसा है नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपना प्रोडक्शन चालू करके उसी पे काम, अपना प्रोडक्शन चालू करके उसी में अच्छा काम करूँ, और मेरे फैंस को देखो बस यही कहूँगा कि RIP, और क्या कर सकता हूँ, रेस्ट इन पीस, और क्या कह सकते सर, जो चला गया इस दुनिया से वो तो बस चला गया, उनके लिए सिर्फ दुआएं कर सकते। Thank you.
कम जो बाबू